आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मरीन ड्राइव के गरवाड़े स्पोर्ट्स क्लब में, जहां बीजेपी की अहम बैठक हुई है। विधायकों, सांसदों, पार्षदों की एक अहम संदेश देने की इस बैठक में कोशिश हुई है कि एनसीपी के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद भी बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर किस तरह से अडिग है और जनता के बीच में नेताओं को क्या जवाब देना है। इसी बीच यहाँ से एक अहम खबर ये है कि देर रात वर्षा बंगलों पर सीएम आवास पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मंत्री पदों को लेकर चर्चा होगी। जैसा कि हाल में खबर थी कि एकनाथ शिंदे के विधायक गुट में नाराजगी है, अजीत पवार एनसीपी गुट के सरकार में शामिल होने के बाद मंत्री पदों को लेकर असमंजस की स्थिति है, तो एक अहम बैठक होने जा रही है सीएम आवास पर वर्षा बंगलों में। इसी जानकारी के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए आज आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया उसमें आज क्या कुछ हुआ। उद्धव गुट की अहम नेता नीलम गोरे अब शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो चुकी है। इसके साथ ही मानसून सत्र की तारीख सामने आ चुकी है, 17 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन उसके पहले ही अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद नेता विपक्ष का जो पद है वो खाली है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अजीत अनंतराव पवार कहा तो ये जा रहा था कि अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से नाराज शिंदे की शिवसेना के कुछ विधायक उद्धव ठाकरे के पास लौट सकते हैं, लेकिन हुआ उल्टा ही। विधान परिषद में उप सभापति नीलम गोरे उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गईं। वो भी ठीक उसके बाद जब एमबीए की बैठक के बाद विधानसभा के बाहर आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। कि मेरे कान पे ऐसे सुनने आ रहा है कि सीएम को भी ऐसे कहा कि इस्तीफा दीजिए, शायद कुछ बदला हो सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब देने में देर नहीं की। ये विपक्ष वाले बार बार ये अफवाह फैला रहे, बोले मुख्यमंत्री नाराज है, बोले यहाँ तक बोले कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ये सब उनके मनगढ़ंत कहानी है। शिवसेना ने तो अपनी नाराजगी दबा रखी है, लेकिन बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने खुलकर नाराजगी जताई है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, जो 106 विधायक बीजेपी के टिकट पर जीते, इन सब के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन बोलने की ताकत और हिम्मत उनमें नहीं है। आज पंकजा मुंडे म्हणून मी तुमच्या समोर उभी आहे। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे स्वाभाविक बताया, लेकिन ये भी कहा कि सब ठीक हो जाएगा। ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों का लगातार संघर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस से रहा है, तो एक दिन में तो सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसे कोई ना कोई चीजें सामने आएगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पंकजा ताई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो हमेशा पार्टी के साथ रही हुई है, इसलिए हमारे पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व उनसे बातचीत करेगा, उनके मन में अगर कोई बात होगी तो हम समझ लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पार्टी में लगातार वो काम करती रहेगी और अच्छे तरीके से नेतृत्व भी करती रहेगी। इसके पहले विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक में जनता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया गया, लेकिन विपक्ष की मुसीबत है कि अभी तक विधानसभा में नेता विपक्ष पद खाली पड़ा है। मैं जिंदा हूँ, जयंत पाटिल जिंदा है, उद्धव ठाकरे जिंदा है, आदित्य ठाकरे जिंदा है, बाला साहब थोरात जिंदा है, अशोक चौहान जिंदा है, तो ये कैसे कहते हो कि लेकिन नेता विपक्षी नहीं होगा तो कैसे आवाज उठेगी? सब होता है, कोई चिंता मत करो। इस बीच अजीत पवार गुट ने एक बार फिर से खुद को असली एनसीपी पार्टी होने का दावा किया है, तो उन्हें जवाब देने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जनता के बीच जाकर संघर्ष करने के लिए शनिवार को नासिक के दौरे पर निकल रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़िक से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने 52 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। ईडी के मुताबिक मनीष सिसोदिया समेत इसमें कई आरोपियों की संपत्ति शामिल है। दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी नीति के मामले में जेल में हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के लिए बीजेपी झूठ का पुलिंदा लेकर आई है। ईडी के खुद के दस्तावेज के मुताबिक मनीष सिसोदिया के पास 81 लाख रुपए की संपत्ति है। उनके दोनों फ्लैट आबकारी नीति बनने के सालों पहले खरीदे गए थे, तो फिर इन्हें तथाकथित घोटाले से कैसे जोड़ सकते हैं? आतिशी ने यह भी कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी को मनीष सिसोदिया से माफी मांगनी चाहिए। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी अटैच की गई। वो बिजनेसमैन वो हैं जो देश के सबसे बड़े वाइन डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कई तरीके के बिजनेसेस करते हैं। उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति
जब्त करके मनीष सिसोदिया जी के एक 5 लाख का फ्लैट और एक 65 लाख का फ्लैट, यानी कि कुल जमा करें तो 70 लाख के 2 फ्लैट जब्त करे गए, एक वसुंधरा में है, एक पूर्वी दिल्ली में है। और इसको इस तरह से कहना कि साहब 52 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की मनीष सिसोदिया और वगैरह की, तो बहुत शर्म की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को लेकर झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग अलग मीडिया हाउस को कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हो गई, अटैच हो गई, जबकि ईडी के खुद के कागज, जो ऑर्डर है अटैचमेंट का, वो क्लियर कट तरीके से बताता है कि मनीष सिसोदिया जी के पास बैंक अकाउंट में सिर्फ 11,50,000 रुपए हैं। ईडी के कागज खुद बताते हैं, ईडी के कागज खुद बताते हैं कि मनीष सिसोदिया जी के पास 2 फ्लैट हैं, जिसमें से एक मात्र 5 लाख रुपए की वैल्यू का है और वो भी 18 साल पहले खरीदा हुआ है। मनीष सिसोदिया जी का दूसरा फ्लैट, जो कि उनकी पत्नी के नाम पे है, 5 साल पहले खरीदा हुआ है, उसकी भी वैल्यू सिर्फ 65 लाख रुपए है। और मैकडोनल्ड ने अपने आइटम से टमाटर को गायब कर दिया है। टमाटर के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आखिर क्यों अचानक के भाव बढ़े हैं? परिमल कुमार की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 3 दोस्तों की टिकड़ी फ्रेंच फ्राइज और बर्गर के मजे तो ले रही है, लेकिन मैकडोनल्ड के बर्गर से टमाटर का स्लाइस गायब है। इन तीनों को इसकी खबर भी नहीं, पर बिलिंग काउंटर पर बकायदा नोटिस चस्पा है। मैकडोनल्ड को ऑपरेट करने वाले कनॉट प्लेस रेस्टोरेंट ने नोटिस में लिखा है कि हम अच्छी सामग्री वाले फूड परोसने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हमारी कई कोशिशों के बावजूद पर्याप्त मात्रा में वैसे टमाटर नहीं मिल रहे जो गुणवत्ता के पैमाने को पूरा कर पाए, इसलिए बिना टमाटर के ही व्यंजन मुहैया कराने को बाध्य हैं। कोशिश में जुटे हैं कि पर्याप्त मात्रा में टमाटर हमें मिल जाए, इसके लिए हमें खेद है। लाल टमाटर भाव का शतक पार कर चुका है। हालात हैं कि कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल टमाटर अलग अलग जगहों पर करीब 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक मिल रहा है। उधर बर्गर का स्वाद चखने वालों को एहसास भी हुआ और कीमत में किसी तरह की रियायत न मिलने की तकलीफ भी। मैकडी के एक स्टाफ ने बताया कि ये नोटिस लगे हुए तो 3-4 दिन बीत चुके हैं, तो घर की थाली से गायब होने के बाद अब बाजार के बर्गर से भी टमाटर नदारद है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और किस तरह से बन रही है सियासी रणनीति, अब उसकी बात करते हैं। बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनावी प्रभारियों और सहप्रभारियों को नियुक्त किया है। खास बात यह है कि 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। तो किस तरह से बीजेपी संगठन में बदलाव कर रही है, रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शुक्रवार सुबह 10 बजे उत्तर क्षेत्र के 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और महामंत्रियों की बैठक शुरू हुई। बैठक चुनावी तैयारियों के मद्देनजर चली। इस बैठक में जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के अहम पदाधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारियों को नियुक्त कर दिया। इनमें राजस्थान के प्रभारी प्रहलाद जोशी को, सह प्रभारी नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई, छत्तीसगढ़ का प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को, मध्य प्रदेश का प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को, जबकि तेलंगाना के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और सह प्रभारी सुनील बंसल को बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के संगठन में बदलावों का ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा। 9 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र की बैठक हैदराबाद में होगी। इन बैठकों में लोकसभा चुनाव के लिए कैसे कमर कसा जाए, महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा और मोदी सरकार के नीतियों का प्रचार कैसे आम लोगों तक पहुंचे, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। बैठक जो नई दिल्ली में थी वो शुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक थी। जो पार्टी ने पहले कार्यक्रम महासंपर्क अभियान और उससे पूर्व बूथ सशक्तिकरण अभियान, उस पर जानकारी प्राप्त की और भविष्य में आने वाले दिनों में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, उस पर सभी प्रांतों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों के साथ चर्चा हुई है।
इससे पहले तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब और आंध्र प्रदेश के संगठन में भी बदलाव किए जा चुके हैं। जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने संगठन में फेरबदल के साथ अपने एनडीए गठबंधन को बढ़ाकर कुछ नए सहयोगियों को भी कैबिनेट में जगह दे सकती है। दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें और पूरी खबर दिखाएंगे आपको, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। परवानू शिमला फोर लेन पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। बीच सड़क पर भारी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर गिरे। उस वक्त सड़क से गाड़ियां भी गुजर रही थी जो बाल बाल बची। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से दो सफेद गाड़ियां इन पत्थरों से बाल बाल बची हैं। अरे रुक जा, रुक जा। अरे रुक जा, रुक जा।